तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए आज कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आए हैं जिनकी कि डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 10% का डिविडेंड यील्ड हर स्टॉक में देखने को मिलेगा। और इसमें से एक स्टॉक्स ऐसा है जिसमें कि 20% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। तो देखेंगे एक एक सारे स्टॉक्स को आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और वो स्टॉक्स कौन से हैं ये बताने से पहले पहले आपको ये समझ लेना है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती क्या है और कैसे काम करती है। तो आप पहले इनके रिस्क को थोड़ा समझ लीजिए, तभी आप इसमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं इनमें क्या क्या अच्छी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, पहली चीज़ आपको इसमें ध्यान ये रखनी है दोस्तों कि आप जब भी डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इस जैसा कि इसमें इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई है, लगभग 10% तक की है इसमें। तो ये एक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें कि आपको एनुअली जो ग्रोथ होती है वो देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको 20-20% 15-15% या 30-30% तक की रिटर्न आपको हर साल मिल जाते हैं। मतलब कि एवरेज 15-20% एवरेज जहाँ आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में मिल जाती है 15-20% की। तो ये वैसे स्टॉक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं जिसमें आपको कांस्टेंट रिटर्न मिलते रहते हैं एनुअली। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों कि कहो इसमें आप अगर 10 साल भी स्टॉक होल्ड करके रखें तो आपको जो स्टॉक का प्राइस होता है बिल्कुल भी अप्रिसिएशन, प्राइस में बिल्कुल भी अप्रिसिएशन देखने को ना मिले। हो सकता है आप जिस प्राइस में बाय किए हों कुल मिला के वो स्टॉक 10 साल में आपका उसी पर ही ट्रेड कर रहा हो। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिसमें आपको डिविडेंड के रूप में इनकम तो मिलती रहती है, पर आपका प्राइस अप्रिसिएशन कोई जरूरी नहीं है। आपको मिल जाए तो अच्छी बात होती है, पर दोस्तों इसमें आप कोई अच्छी बहुत ही इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं प्राइस एप्रिसिएशन की। तो इसमें ज़्यादातर स्टॉक ऐसे ही, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, आपको दो तरह के पोर्टफोलियो हमेशा रखने चाहिए दोस्तों। एक पहला होना चाहिए ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसमें कि आपके पास अच्छे वैल्यूएबल वाले स्टॉक हो जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे। जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपके लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए। और एक आपके पास डिविडेंड पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास जो हम आज जैसे आपके लिए स्टॉक्स लाए हैं वो स्टॉक्स होने चाहिए। तो इससे आपको ये होगा कि इस वाले पोर्टफोलियो में आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न भी मिलते रहेंगे और इसमें आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट होती रहेगी डिविडेंड वाले में। और आप फिर वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके भी आप एक बड़ा क्वांटिटी जनरेट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में। या फिर आज से 10-15 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके पास पर्टिकुलर किसी स्टॉक में एक अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाएगी, 1000 क्वांटिटी या 2000 क्वांटिटी। तब फिर जब आपको उस पर डिविडेंड इशू होगा तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो ये डिविडेंड के लिए जब भी आप पोर्टफोलियो बनाए तो एक अपना लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चले दोस्तों। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी मत सोचे, ये कम से कम नहीं, इसमें आपको 10-15 साल का व्यू लेकर चलना ही चाहिए। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पास एक समय बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी इन स्टॉक्स में और आपको फिर एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहेगा एनुअली। तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है डिविडेंड इन्वेस्ट करते समय। तो दोस्तों, जो अगला पॉइंट निकल के आता है वो ये निकल के आता है दोस्तों कि इसमें आप भी जब भी इन्वेस्ट करें तो आपको लमसम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आपको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी बाय करते चलना है। जैसा कि इस समय स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, आपको हर साल मार्केट में डिप देखने को मिल जाता है। तो आपको जब भी मार्केट में डिप मिले तो आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी इसमें बाय कर सकते हैं और हर साल आपको ऐसे ही करते रहना है। तो और जब भी इससे कोई आपको डिविडेंड इशू हो तो वो पैसे आप उसको बचा के रखें और ऐसे ही मार्केट जब क्रैश हो तो आप उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह क्वांटिटी बढ़ती रहेगी सालाना और फिर एक समय आपको अच्छा खासा क्वांटिटी आप होल्ड करेंगे इन कंपनीज़ में और आपको फिर जब डिविडेंड इशू होगा तो आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट आएगी आपके बैंक अकाउंट में सीधे। तो दोस्तों, ये सब वो बातें थी जो आपको ध्यान में रखना जरूरी थी। और चलिए अब देखते हैं एक एक स्टॉक के बारे में। आई होप आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे करनी है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और आपको दोस्तों, ये वीडियो देखते ही आपको इन स्टॉक में सीधे बाय करने नहीं चले जाना है, आपको अपने एनालिसिस भी करनी है। हमारे वीडियो जो भी होते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, तो दोस्तों अपने एनालिसिस जरूर करिएगा इसमें इन्वेस्ट करने से पहले। और आपको बिल्कुल भी इकट्ठा इन्हें बाय नहीं करना है, आपको स्मॉल स्मॉल क्वान्टिटी में आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेके और हर साल आपको थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी करके बाय करते हुए चलना है। आप बड़ा पैसा कभी भी डिविडेंड वाले स्टॉक्स में मत लगाइएगा क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। आपका हो सकता है आप 10 साल इन स्टॉक को होल्ड करें तब भी आपकी बाइंग प्राइस में भी ना। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं, एक एक स्टॉक्स को हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को ऐसे कवर करेंगे कि जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है उसे पहले कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो जिसकी डिविडेंड यील्ड उससे कम है उसको उसके बाद कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टॉक को देखेंगे उसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक निकल के आता है वो है वेदांता लिमिटेड। ये मेटल्स और माइनिंग सेक्टर का स्टॉक है। तो चलिए दोस्तों, इसकी फंडामेंटल्स पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 1,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 331 रुपये का और इसका
52 वीक हाई यहाँ आप देख सकते हैं 441 का है, और आप यहाँ 206 रुपये इसका 52 वीक लो देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसका 20.7 डिविडेंड यील्ड है, मतलब 20.7% की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है, जिसकी कि हमने आपको पहले बात की थी, ये वही स्टॉक है जिसकी कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है हमारे आज के जितनी भी लिस्ट बनाई है हमने डिविडेंड वाले स्टॉक्स की। तो दोस्तों बाकी की फाइनेंशियल आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले स्टॉक के ऊपर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट का जो अगला स्टॉक निकल के आता है वो है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये भी एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको दे देता है, तो चलिए इसके भी हम फंडामेंटल्स की ओर एक बार नज़र डाल देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप 1,17,000 करोड़ की है, करंट मार्केट प्राइस लगभग 90 पैसे की है, और यहाँ आप इसकी 52 वीक हाई और लो देख सकते हैं। जैसा कि आप इनके प्राइस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, कि जहाँ आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 90 रुपये का है, और यहाँ अगर बात की जाए इसके 52 वीक लो की तो 65 रुपीज़ है। तो हमने जैसे कहा था कि जो भी डिविडेंड हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक होते हैं बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसका भी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, 10.1% का है, तो ये भी अच्छा खासा डिविडेंड दे देता है आपको एनुअली। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक निकल के आता है वो REC लिमिटेड, इसके की प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 124 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट कैप है 32,000 करोड़ की, तो ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है। जैसा कि आपको पता होगा जो भी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का होता है वो लार्ज कैप स्टॉक होते हैं, तो ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है यहाँ आप देख सकते हैं। करंट प्राइस 124 रुपये, और यहाँ आप 52 वीक हाई और लो देख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 9.25% का है, जो कि ये भी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड देती है यहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टॉक्स की तरफ। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में जो चौथा स्टॉक निकल के आता है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, और चलिए इसके भी फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट कैप आप यहाँ देख सकते हैं 1,39,000 करोड़ का स्टॉक है मार्केट कैप वाला, तो ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, और इसका करंट प्राइस चल रहा है 227 रुपये का। आप यहाँ 52 वीक हाई लो देख सकते हैं, और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 7.49% का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है, और बाकी की आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो चलिए हम अपने पांचवें स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की लिस्ट का जो पांचवा स्टॉक निकल के आता है वो है PFC यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी भी हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप मार्केट कैप देख सकते हैं 39,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला स्टॉक है, ये भी लार्ज कैप स्टॉक है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो 150 रुपये है, और इसकी 52 वीक हाई लो आप यहां देख सकते हैं, और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 7.98 का है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 7.98% का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है, जो कि अच्छा खासा है। तो दोस्तों चलिए हम आज के लास्ट और छठे स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो निकल के आता है ITC लिमिटेड। चलिए इसके भी फंडामेंटल्स पे हम नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ITC निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो इसकी मार्केट कैप भी बड़ी है, यहाँ आप देख सकते हैं 4,15,000 करोड़ का ये मार्केट कैप वाला स्टॉक है, और अगर इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो 335 रुपये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इसके यहाँ पर आप इसकी 52 वीक लो और हाई देख सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो इसका थोड़ा परसेंट कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3.44% है का है इसका डिविडेंड यील्ड, पर ये जैसा कि निफ्टी 50 का स्टॉक है तो ये हमने सोचा आपको एक स्टॉक ऐसा बता दें जिस पर आप थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि ये निफ्टी 50 का स्टॉक है तो इसका मार्केट कैप भी और से सबसे ज़्यादा है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ही आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा और स्टॉक के कंपेरिजन में, तो हमने आपको थोड़ा एक स्टॉक ऐसा बता दिया जो थोड़ा बड़ी मार्केट कैप वाला है। तो दोस्तों हमने इसमें आपको हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में दिखा दिया है, और आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा वो अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद ही करिएगा, स्मॉल अमाउंट में ही इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप बिल्कुल से इसमें जाके बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी मत बाय करिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको करना होता है, आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म का पीरियड लेके चलना होता है, कम से कम आप अगर इसमें 10 ईयर से 15 ईयर्स का व्यू बनाएंगे तब आपको एक अच्छा खासा इसमें रिटर्न, और हो सकता है आपको रिटर्न मिल जाए और अब डिविडेंड जो मिलेगा सो तो मिलेगा ही आपको, तो और हो सके तो आप हर डिप में इसमें स्मॉल क्वांटिटी बाय करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि स्टॉक मार्केट है, डिस्क्लेमर देना जरूरी है, आप जो भी इसमें अपनी एनालिसिस करिएगा सोच समझ के करिएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा वो भी सोच समझ के करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हमारा वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए होता है, अगर आप इसमें कोई भी लॉस करते हैं तो वो सिर्फ आपका ही लॉस होगा और आप ही जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों खैर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।